हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में देखी भारी गिरावट। निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर से 220 अंक गिरकर 17,900 के नीचे बंद। सेंसेक्स भी ऊपरी स्तर से करीब 700 अंक की गिरावट के साथ 60,000 के नीचे बंद। निफ्टी बैंक में लगातार दूसरे हफ्ते दिखी गिरावट। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी। कोविन ऐप पर आज वैक्सीन आ जाएगी। फिलहाल निजी अस्पताल में लगेगी वैक्सीन। कोवोवैक्स को बूस्टर डोज के तौर पर बाजार में उतारने की तैयारी। सीरम इंस्टीट्यूट ने डीसीजीआई से मांगी इजाजत। तवांग झड़प के बाद 84,328 करोड़ की सैन्य खरीदी को हरी झंडी। मिसाइल सिस्टम, गाइडेड बम और बैलिस्टिक हेलमेट की होगी खरीदी। रक्षा मंत्री की ने दी मंजूरी। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। कहा कोरोना को लेकर सभी सतर्क रहें और चीन में कम वैक्सीनेशन के कारण फिर से फैल रहे हैं कोविड के मामले। कोरोना पर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस। विदेशी यात्रियों को वैक्सीनेशन जरूरी और सभी यात्रियों को देना होगा थर्मल, सभी यात्रियों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। लक्षण दिखने पर आइसोलेट किए जाएंगे यात्री। एयरपोर्ट पर रैंडम कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। विदेश से आने वाले यात्रियों को देनी होगी रिपोर्ट। केंद्र सरकार फिलहाल मास्क अनिवार्य नहीं करेगी, इसे एडवाइजरी ही रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर। मंगलवार को पूरे देश में केंद्र सरकार की मॉक ड्रिल की योजना। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री खुद एक हॉस्पिटल में मौजूद रहेंगे। दिल्ली भर में 7 साइटों में सीवेज के नमूने एकत्र कर रहा है एनसीडीसी। रिपोर्ट में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 का नहीं पता चला। चीन, जापान, अमेरिका में कोरोना संकट के बाद भारत में भी सतर्कता बढ़ी। दवा की दुकानों में अचानक से मास्क की बिक्री में तेजी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का ट्वीट। लिखा कोरोना को लेकर सरकार की गाइडलाइंस जारी की, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। दिल्ली में कल होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री। अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है रूट मैप। पुलिस चाहती है इसे बदलना। जिद पर अड़ी है कांग्रेस। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। समय से पहले खत्म हुआ संसद का शीतकालीन सत्र। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मेयर पद के नाम की घोषणा की। शैली ओबेरॉय को मेयर प्रत्याशी बनाया। आले मोहम्मद इकबाल को डेप्यूटी मेयर का उम्मीदवार। बीजेपी राज्यसभा सांसद हरनाद सिंह ने इसका राहुल पर निशाना। कहा चीन के साथ मिलकर देश को धोखा दे रहे हैं राहुल गांधी। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में बीजेपी का प्रदर्शन। संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने बिहार बीजेपी ने किया प्रदर्शन। जेपी नड्डा 27 दिसंबर को 2 दिवसीय तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। यूपी में अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी। कोरोना जांच में तेजी लाने के आदेश। यूपी में कोरोना को लेकर एक्शन में सरकार। पुलिसकर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य। यूपी डीजीपी ने जारी किया आदेश। यूपी में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का बयान। कहा अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए अलग वार्ड होंगे। अस्पतालों के लिए निर्देश जारी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में महादेव को पहनाया गया मास्क। लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है यह अनोखा प्रयास।
कोविड को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बुलाई बैठक, कल दोपहर 2 बजे सचिवालय में होगी बैठक। शिमला में डीडीयू अस्पताल और आईजीएमसी में आज से फ्री में लगेंगे बूस्टर डोज। 28 दिसंबर तक 18 साल से ऊपर के लोगों को लगेगा टीका। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के लिए 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक नए कोविड एडवाइजरी जारी, बचाव के लिए पूरी तैयारी, भीड़ इकट्ठा करने पर रोक। कोरोना वेरिएंट BF7 चीन से पहले 91 देशों में फैल चुका है। चीन में अब तक इस वेरिएंट के कई केस आ चुके हैं सामने। अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन को BSF ने मार गिराया, सीमा पर देश में घुसने की कोशिश कर रहा था ड्रोन। टेरर फंडिंग को लेकर जम्मू कश्मीर में NIA की बड़ी कार्रवाई, 16 जगहों पर छापामारी। लिव इन रिलेशनशिप में हुई हिंसा पर घरेलू हिंसा के तहत होगा एक्शन, कानून मंत्री ने कहा। लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का किया जा रहा है प्लान। चीन के जेजांग में सड़कों पर लाइनें लगी हुई दिखी और बूस्टर डोज के लिए वैक्सीन सेंटर पर दिखी भारी भीड़। चीन में लगातार बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के हालात, शवदाह घर में अंतिम संस्कार के लिए लोगों को घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। बीजिंग में कारों की लंबी कतारें देखने को मिली। कोरोना के बढ़ते हालात को देखते हुए चीन का फैसला, चीन आने वाले यात्रियों को का कोरोना टेस्ट करवाएगा और पॉजिटिव पाए जाने पर 10 दिन क्वारंटाइन करना होगा। चीन में बेकाबू कोरोना के बीच एयरपोर्ट और दुकानें पूरी तरह बंद और सड़कों पर पसरा सन्नाटा। अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिन की चीन को चेतावनी, कहा चीन कोरोना को लेकर दुनिया के साथ साझा करे सही जानकारी, चीन के नागरिकों का करवाए वैक्सीनेशन। अमेरिका ने चीन से कोरोना की मांगी जानकारी, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिन ने कहा चीन सहित सभी देशों के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। शंघाई के एक क्वारंटाइन सेंटर की तस्वीरें आई सामने, 10 दिनों के क्वारंटाइन पीरियड में चीखते हुए दिखाई दिए लोग, खुदकुशी की धमकी देती हुई नजर आई एक महिला। शंघाई में डॉक्टरों को कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए किया तैयार रहने का निर्देश, शहर में 2.5 करोड़ लोगों में से आधे लोग अगले सप्ताह तक हो सकते हैं संक्रमित। चीन में सामने आए ड्रैगन वाले आंकड़े, कोविड के एक दिन में 1 लाख संक्रमित पाए गए और 5,000 से ज्यादा मौतें दर्ज हुई।